संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। पुलिस ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की शुरू। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। ये खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के मर्डिया निवासी सीमा अपने पति नीरज गिरी के साथ मेडिकल कॉलेज दवाई लेने गई हुई। वहां से यह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने कोतवाली पुलिस, वजीरगंज पुलिस, कमिश्नरेट पश्चिमी लखनऊ में गुमशुदगी दर्ज कराई है। फिलहाल युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है। सीमा देवी के पिता मिश्री लाल निवासी मडिया थाना बैनीगंज जनपद हरदोई ने बताया कि मैंने अपने बेटे की शादी सीतापुर जनपद के सिधौली निवासी नीरज गिरी के साथ की। मेरी बेटी का इलाज मानसिक विभाग मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। मंगलवार सुबह ये अपने ससुराल सिधौली सीतापुर से अपने पति नीरज गिरी के साथ मेडिकल कॉलेज लखनऊ दवाई लेने गई हुई थी। दवा लेने पति नीरज गिरी काउंटर पर चले गए। इस दौरान दवाई लेने के बाद जब वह वापस मुड़कर देखा तो मेरी बेटी गायब मिली। मेरे दामाद नीरज गिरी ने आसपास क्षेत्र में काफी तलाश की, लेकिन सीमा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। मेरे दामाद नीरज गिरी की तहरीर पर वजीरगंज थाना प्रभारी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।